सर नमस्ते। नमस्ते सर, आप का नाम और पूरा एड्रेस बता दीजिए सर यहाँ का। मेरा नाम बाला साहेब पोखरकर, मुक्काम पोस्ट खड़की, तालुका अंबेगाँव, जिला पुणे। ये हमारा बगीचे का तीसरा साल है। हाँ हाँ, हम ये डालिम का खेती कर रहे हैं। हाँ, ये बाग हम फुलवा रहे। सर कितने साल का एक्सपीरियंस है आपका बगीचे में? ये हमारा ऐसा तीसरा साल है। तीसरा साल बाहर चलो अभी। हाँ। और अभी जो हम टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं उसके बारे में आप थोड़ा सा हमें जानकारी दीजिए सर। पहले दो बार जो हमने बाहर लिए उस टाइम क्या हमको ये पता नहीं था सॉइल चार्ज टेक्नोलॉजी। लेकिन अभी गए साल हमको मालूम होने के बाद हमने पहचान लिया। और पहले से ही शुरुआत से जब हमने ये सब फल निकाल दिए ना अगले साल के। हाँ, मतलब पिछले बार जो बाहर निकाले उसके बाद तुरंत ही आपने सॉइल चार्ज टेक्नोलॉजी यूज की। बेसल डोज से साथ ही रेस्टिंग पीरियड से शुरुआत की और अच्छे तरीके से कैसा कर सकते हैं अपन। तो अच्छा रिजल्ट मिलना है तो अपन अच्छा खत देना मांगता है, अच्छा स्प्रे और वो जो कुछ तुम्हारे लोगों ने सॉइल चार्ज टेक्नोलॉजी के बारे में शेड्यूल दिया है जो हम तंतोतंत हम उसका अनुपालन कर रहे हैं। अच्छा, इसका रिजल्ट ऐसा हो गया है कि अभी तुम देख सकते हैं ये फ्लावरिंग इतना अच्छी तरह से आ रहा है कि मतलब चारों ओर से सभी फ्लावरिंग है। कैनोपी भी बहुत अच्छी, आप कौन सा भी पौधा देखेंगे तो चारों तरफ से बंचेस में फूल निकल रहे हैं। बंचेस में निकल रहे, ये देखो। हाँ, ये देखो इधर, ये देखो बंचेस ही बंचेस, अमेजिंग, खूब जबरदस्त और एकदम शाइनिंग और क्लीन, बहुत जबरदस्त है। पानों की कैनोपी भी अच्छी है सर। और एक दूसरी बात, आपने जो यहाँ देखे मधुमक्खी का छत्ता भी इधर आपको यहाँ लगा हुआ है सर। हाँ, दिख रहा है ना? दिख रहा है। देखिए ये जो है, तो आपने सॉइल चार्जर में क्या क्या यूज किया है, मतलब बेसल डोस में क्या दिया है, उसके बाद स्प्रे में कितने क्या है? बेसल डोस में कृषि अमृत, ग्रीन गुजरात और थोड़ा बाकी जो माइक्रोन्यूट्रिएंट जो लगता है। हाँ, वो उसमें दे दिया है। अच्छा, चलते चलते थोड़ा सा देखेंगे। और दूसरी बार हमने 24 अक्टूबर को ये इसको पहला इथरे लगाया। उसके बाद 6 नवंबर को हमने इसको पानी देना शुरू कर दिया। अच्छा, 6 नवंबर से अब तक 3 बार हमने उसको इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड दिया है, स्प्रे कर दिया। अच्छा, 2 महीने। और जो हम उनको पानी देते हैं ड्रिप से, उसमें से 052 34, 12 61, 13 045 और उनके साथ सॉइल चार्जर, हर बार हम सॉइल चार्जर यूनिट ऑफर करते हैं। और पूरे पौधे कितने सर यहाँ? 330। और अब तक सॉइल चार्ज उसमें कितने का आया होगा? अब तक मेरे ख्याल से 30 लीटर तो गया। 30 लीटर सॉइल चार्ज आपने दिया है। हाँ, इसकी वजह से आपको ये रिजल्ट इतना अमेजिंग मिल रहे है। आपके जो आइए सर, ये जो आपके काम करते हैं तो आपको क्या इसमें नयापन इस साल दिखने को मिला है? नयापन बोले तो जो अपना जो यूज करते ना अपना सॉइल चार्जर। हाँ, तो कलर अच्छा दिख रहा है, पत्तों का कलर अच्छा है और अच्छा फूलों का साइज और शाइनिंग बहुत अच्छा। हाँ, देखिए अभी अंदर से सभी फूल अंदर से लगे। हाँ, और हर एक मादा ही लग रहे हैं आपको। हाँ, जो आप हर किसान को ओके आगे चलते चलते देखेंगे तो पूरा पेड़ चारों ओर से सही खिला है, मतलब चारों ओर से हर एक कैनोपी और फूलों का जो है तो सही बैलेंस है इसमें। तो इसके बारे में आपकी जो खर्चा हुआ है आज तक सर, उसके बारे में आप कुछ बता सकते हैं? सॉइल चार्ज टेक्नोलॉजी का जो खर्चा आता है। हाँ, हाँ। और अभी का जो पिछली बार आपका खर्चा आया था उसमें कुछ तो फर्क गिरा है? बिल्कुल गिरा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं क्या बहुत ज्यादा खर्चा आता है। बराबर तुम्हारे जैसा शेड्यूल दिया है उसी हिसाब से चले। तो अनावश्यक जो स्प्रे होते हैं। हाँ, वो हमने टाल दिए। अच्छा, उसमें मतलब आपने 6BAJ कोई भी संजीवक आज तक लगाया नहीं? नहीं लगाया, कुछ भी लगाया, खाली फ्रूट चार्जर, क्रॉप चार्जर और वही आपने यूज किया। तो उसका परिणाम देख रहे हैं सर, यहाँ मधुमक्खी बहुत घूम रही है। देखिए मधुमक्खी, यस मधुमक्खी, और जो आवश्यक रहती है हर फूल के लिए। ओके सर, थैंक यू धन्यवाद सर।